आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल के टूटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में बिहार और झारखंड के कई मजदूर भी फंसे हुए हैं। प्रशासन ने टनल में फंसे मजदूरों के नाम की सूची जारी की है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में टनल में 36 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मजदूरों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मशीनों के जरिए मलबा हटाने का काम भी जारी है, साथ ही ड्रिल मशीनों की मदद ली जा रही है। कल पीएम मोदी ने सीएम धामी से इस पूरी घटना को लेकर बात भी की थी और हालात का जायजा भी लिया गया था, जिसके बाद सीएम धामी ने राहत बचाव का काम तेज करने के निर्देश दिए थे। तो उत्तरकाशी में टनल हादसे में मजदूरों के फंसे होने की खबर, जिसमें बिहार और झारखंड के मजदूर भी शामिल हैं। तो फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है, मजदूरों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। उत्तरकाशी में टनल हादसा ये हुआ है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं वहां की, जहां रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। तो बिहार झारखंड के मजदूर भी इसमें फंसे हुए हैं। प्रशासन ने जारी किया टनल में फंसे मजदूरों के नाम की सूची और लगातार रेस्क्यू जारी। तो निर्माणाधीन टनल के टूटने से ये पूरा हादसा हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बिहार झारखंड के मजदूर इसमें फंसे हुए हैं, इसको लेकर सूची भी जारी कर दी गई है। प्रशासन ने जारी की है टनल में फंसे मजदूरों के नाम की सूची। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। फंसे मजदूरों को लेकर मजदूरों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। निर्माणाधीन टनल के टूटने से ये हादसा हुआ। बिहार झारखंड के मजदूर भी इसमें शामिल हैं। सूची जारी की गई है मजदूरों के नाम की। प्रशासन ने जारी किया टनल में फंसे मजदूरों के नाम की सूची। उत्तरकाशी में टनल ये हादसा और इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की है। उत्तराखंड के सीएम से बातचीत हुई। प्रशासन ने फंसे मजदूरों की सूची भी जारी कर दी है। लगातार जो रेस्क्यू है वो भी किया जा रहा है। दिवाली के मौके पर कल रात कई जगहों पर आग लगने की खबरें सामने आई। बिहार से भी ये खबरें आई हैं। बिहार की राजधानी पटना